लोकसभा की 9 सीटें, एनडीए के लिए मुश्किल वाले 9 सीटें। साल 2019 और 2020 के चुनाव के नतीजे अगर देखें तो लोकसभा में बिहार के 40 में से 9 सीटों पर एनडीए गठबंधन की जीत हुई थी। लेकिन ठीक उसके एक साल के बाद साल 2020 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो इन 9 लोकसभा सीटों पर जो 55 विधानसभा की कंस्टिट्यूएंसी आती हैं, 55 विधानसभा का जो प्रतिनिधित्व होता है 9 लोकसभा सीटों पर, उनमें महागठबंधन की भारी जीत हुई है। सोचिए 55 सीटों में से 47 विधायक महागठबंधन के, और बीजेपी और नीतीश कुमार को इन 9 लोकसभा सीटों में 47 विधायकों से मुकाबला करना होगा। और यही वजह है कि चुनाव के पहले तकरीबन 1 दर्जन विधायकों पर एनडीए ने डोरे डाले, 7 विधायक तोड़ेगा, इन्हीं 55 विधायक विधानसभाओं में के जो विधायक थे, यह डर यह खौफ बता रहा है बीजेपी का। तभी तो बीजेपी अपने उम्मीदवारों के सहारे नहीं, एनडीए अपने उम्मीदवारों के सहारे चुनाव के मैदान में नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी के नाम पर क्षेत्र में जा रहे हैं। दरअसल जिन 9 लोकसभा सीटों की हम चर्चा कर रहे हैं उनमें एनडीए के 9 सांसद हैं, लेकिन इस बार उनके जीत के रास्ते इतने आसान नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। 47 विधायकों से टक्कर लेनी होगी, और इस बार यही वजह है कि कहा जा रहा है कि 2020 के चुनाव के नतीजे एनडीए गठबंधन को 24 में चौंका सकते हैं। तभी तो महागठबंधन वर्सेस एनडीए में भारी टक्कर होने की उम्मीद है। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं 9 लोकसभा क्षेत्रों का हाल बताते हैं, और पिछले कुछ चुनावों का इतिहास भी आपको बता रहे हैं कि आखिरी 9 लोकसभा सीटों पर 55 उम्मीदवारों में से 55 विधानसभा की यह सीटें थी जहां से 55 में से 47 महागठबंधन के विधायक जीत के आए थे। और लोकसभा में विधायकों की संख्या आपकी ताकत होती है, कमजोरी नहीं। दरअसल पाटलिपुत्र, काराकाट, बक्सर, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, आरा, सासाराम, नवादा, ये एनडीए की 9 लोकसभा की सीटें हैं जहां से अब तक एनडीए के उम्मीदवार चुनाव के मैदान में 2019 में जब उतरे तो वो जीत हासिल किए। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि 2024 में भी कमोबेश उम्मीदवार उसी प्रकार से हैं, इसलिए इस बार खूब टक्कर होगी। और इसकी वजह यह है कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव और साल 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजे, 2019 में इन सभी सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार जीते थे, नवंबर 2020 में इन सभी संसदीय क्षेत्र के अधीन वाले 55 विधानसभा क्षेत्र में से 47 महागठबंधन के विधायक हैं। एनडीए को इस चुनौती का एहसास है, इसी वजह से टिकट बंटवारे से पहले ही भाजपा ने प्रत्येक प्रखंड में कैंप लगाकर प्रत्याशियों की जगह नरेंद्र मोदी का प्रचार करना शुरू कर दिया। इन 9 लोकसभा सीटों के नतीजे एक प्रकार से प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की संभावित रूपरेखा भी तय करेगी। इनमें पाटलिपुत्रा लोकसभा के अंदर 6 विधानसभा की सीटें और 6 विधानसभा की सीटें महागठबंधन के खाते में 2020 के चुनाव में आई थी। जहानाबाद 6 विधानसभा और 6 विधानसभा में से 6 के 6 विधानसभा के सभी विधायक महागठबंधन के। काराकाट में भी 6 विधानसभा है, ये काराकाट लोकसभा है और इसके 6 विधानसभा हैं और 6 के 6 महागठबंधन के विधायक। बक्सर लोकसभा के 6 विधानसभा और इसके भी 6 विधायक महागठबंधन के। औरंगाबाद के 6 विधानसभा हैं और औरंगाबाद लोकसभा के 6 में से 4 जो है वो महागठबंधन के और 2 एनडीए के विधायक हैं। गया में 6 और यहाँ महागठबंधन के 3 और एनडीए के 3, यानी 50-50 का रेशियो है। आरा लोकसभा में 7 विधानसभा की सीटें थी और 7 में से 5 महागठबंधन की थी, 2 एनडीए के पास। सासाराम में 6 में से 5 महागठबंधन के पास, 1 एनडीए के पास। नवादा में 6 में 4, यानी 6 विधानसभा में 4 महागठबंधन के, 2 एनडीए के। अब
यही वजह है कि कुल मिलाकर इन 9 लोकसभा सीटों पर 55 विधानसभा हैं। इन 55 विधानसभा में महागठबंधन के 47 विधायक हैं। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि इस बार चुनाव के जो नतीजे हैं उसमें सीधी लड़ाई महागठबंधन की एनडीए से होगी। साथ ही साथ इन 4 सीटों पर भी जो है अंतर बेहद कम दिखा था, जिसमें 2020 के विधानसभा चुनाव में इन इलाकों में सबसे कठिन लड़ाई हुई थी, मामूली वोटों से जीत और हार का अंतर सामने आया था। बरबीघा से जेडीयू के सुदर्शन कुमार ने कांग्रेस के गजानंद साई को केवल 113 वोटों से हराया था। आरा से भाजपा के अमरेंद्र प्रताप सिंह ने माले के क्यामुद्दीन अंसारी को केवल 3000 वोट से हराया था। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से राजद के सुधाकर सिंह ने बसपा के अंबिका प्रसाद यादव को 179 वोट से हराया था। आरा के बढ़हरा से भाजपा के राघवेंद्र प्रताप सिंह ने 4000 वोट से राजद के सरोज राय को हराया था। तो ये अंतर इन 4 सीटों पर भी रही। अब आपको बताते हैं कि वर्तमान में मौजूदा हालात में किसकी कब्जा किस सीट पर है। अब पाटलिपुत्र विधानसभा क्षेत्र में दानापुर राष्ट्रीय जनता दल, मनेर राजद, मसौढ़ी में इस राजद की सीटें हैं, जबकि फुलवारी पालीगंज में भाकपा माले की जो सीटें हैं वो है। वहीं विक्रम से कांग्रेस के विधायक हैं जो अब एनडीए में चले गए हैं। जहानाबाद लोकसभा सीट की चर्चा करें तो यहाँ से विधानसभा जहानाबाद, मखदूमपुर, अतरी, कुर्था से राजद के विधायक हैं, जबकि अरवल और घोसी से माले के विधायक हैं। काराकाट लोकसभा क्षेत्र से, जिसमें नोखा विधानसभा, डेहरी, गो, ओबरा और नवीनगर से राजद के विधायक, जबकि काराकाट से माले के विधायक हैं। बक्सर लोकसभा सीट पर जहां ब्रह्मपुर विधानसभा है, रामगढ़ विधानसभा है, दिनारा विधानसभा है, जहां से राजद के विधायक जीत के आए हैं, जबकि बक्सर और राजापुर से कांग्रेस और डुमराव से माले के विधायक हैं। वहीं औरंगाबाद लोकसभा सीट से कुटुंबा, औरंगाबाद से कांग्रेस, रफीगंज और गरुआ से राजद, इमामगंज और टिकारी से जीताराम मांझी के विधायक हैं। गया लोकसभा सीट से शेरघाटी, बोधगया और बेलागंज से राजद, जबकि गया टाउन और वजीरगंज से भाजपा, जबकि बाराचट्टी से जीताराम मांझी के पार्टी के विधायक हैं। आरा लोकसभा सीट से, जिसमें तरारी से माले, संदेश, जगदीशपुर, शाहपुर से राजद, आरा बढ़हरा से भाजपा, अगियाव से माले के मनोज मंजिल थे जिनको जीत मिली थी। फिलहाल इस सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है। वहीं सासाराम लोकसभा सीट के अंदर आने वाली विधानसभा में जो नतीजे हैं, जिसमें मोहनिया, भबुआ और सासाराम से राजद के विधायक थे, हालांकि मोहनिया की जो विधायक है वो महागठबंधन छोड़ के एनडीए खेमे में जा चुकी हैं। करघर में कांग्रेस, चैनपुर में जेडीयू और चिनारी से भाजपा के विधायक, जबकि नवादा लोकसभा सीट में गोविंदपुर, नवादा, रजौली में राजद, हिसुआ में कांग्रेस और पालीगंज में भाजपा, और वासरलीगंज में भाजपा और बरबीघा में जेडीयू के विधायक हैं। तो ये कुल इन 9 लोकसभा सीटों के 55 विधानसभा की सीटें थी, जिनमें 47 महागठबंधन और बाकी सीटें एनडीए यानी बीजेपी और जेडीयू के हिस्से में आई थी। और ये तब आया था जब भाजपा जेडीयू का गठबंधन था 2020 के चुनाव में, और फिर 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ गठबंधन है। नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। हालांकि जीत और हार के अंतर के बीच 2019 में एनडीए ने इन सभी सीटों पर जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हासिल की थी, और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर इन तमाम राजनीतिक दलों के जो उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत दांव पर है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर
आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।